नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम फीचर्स ऑफ आईसी कर्व। यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फर्स्ट पॉइंट इंडिफरेंस कर्व स्लोप हैज नेगेटिव। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कौन कौन सा नहीं हो सकता, इन पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर रहे थे। और उसी में हमने टू पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप कभी भी नहीं हो सकता। और सेकंड हमने पॉइंट इसका लिया था कि इसका वर्टिकल स्लोप कभी भी नहीं हो सकता। उसी क्रम में हम थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, सी पॉइंट, पॉजिटिव स्लोप। तो जो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, इट कैन बी पॉजिटिव स्लोप। इसका इट कैन नॉट बी पॉजिटिव स्लोप, इसका कभी भी पॉजिटिव स्लोप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस पर हम जरा डिस्कस आज कर रहे हैं। सपोज ये देखिए बच्चों कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ये जो स्लोप है, इस तरह का जब स्लोप जाता है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, जो हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और जो वाई एक्सिस पर लिया है, जब ये दोनों ही पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, एक्स पर हमने लिया है गुड एक्स को और वाई पर लिया है हमने गुड वाई को, जब एक्स गुड भी इंक्रीज हो रहा है और वाई गुड भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो स्लोप हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, वो पॉजिटिव स्लोप होगा। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमने क्या देखा है, नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, क्योंकि एक्स के कमोडिटीज में जब हम एक्स के यूनिट्स में जब हम इंक्रीमेंट करते हैं, एक्स के यूनिट्स को जब हम इंक्रीज करते हैं, तो वाई यूनिट्स को हम क्या करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। दैट मीन्स कि दोनों अपोजिट साइड चल रहे हैं, एक्स पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है तो जो वाई है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जब दोनों के बीच में, यानी एक्स और वाई एक्सिस पर जो आपने लिया है, उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, तो जो स्लोप आएगा वो भी आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स गुड और वाई गुड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए ये जो हमारा स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। आईसी कर्व अगर इसको हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो जरा देखते हैं। इसके हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट पर इसका कंजम्पशन कितना है, ए पॉइंट पर ये कंजम्पशन इसका हो रहा है ओ एक्स वन प्लस ओ वाई वन, और बी पॉइंट पर इसका कंजम्पशन है ओ एक्स टू प्लस ओ वाई टू। तो डेफिनेटली इसमें आप ये सोच सकते हैं कि ए पॉइंट पर ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या बी पॉइंट पर, तो आप बता देंगे कि बी पॉइंट पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। जब दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका अजम्पशन है, वो यही है कि इंडिफरेंस कर्व के जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इट वुड बी इक्वल। वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो हमारा आईसी कर्व है, जो इंडिफरेंस कर्व है, उसकी शेप कैसी होती है, इसकी जो शेप होती है, ये होती है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है, यहां से ये क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती है, कैसे होती है, उसका एक रीजन है। इस पर भी हम क्या करते हैं, हमने थ्री पॉइंट्स ले रखे हैं, ए बी और सी। इसको मैं दोबारा यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व एंड वी हैव थ्री पॉइंट्स। ओके, ये हमने थ्री पॉइंट्स इस पे लिए हैं, ए बी एंड सी। यहां का जो मार्जिन है वो आपको इक्वल रखना होगा। और उसके बाद जब यहां पर हम ले रहे हैं, ये देखिए, दिस इज ये, दिस इज एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, एंड दिस इज वाई वन वाई टू और वाई थ्री। एट द पॉइंट ए, कंज्यूमर गेट ओ एक्स वन ऑफ एक्स गुड एंड ओ वाई वन ऑफ वाई गुड।
OX1 की कितनी कमोडिटी है उसके पास? OX1। और Y वस्तु की, Y गुड्स की कितनी कमोडिटी है, कितनी यूनिट्स हैं? OY1। तो यहाँ पर अब अगर वो एक यूनिट इंक्रीज कर रहा है, OX1 की जगह वो OX2 कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, Y कमोडिटी में उसको डिक्लाइन वो करता है। और यहाँ पर ये इतना डिक्रीज हो जाती है, Y यूनिट्स कितनी डिक्रीज हो रही है, सपोज मैं इसको शो कर रही हूँ डेल्टा वाई से हम इसको शो कर रहे हैं। जैसे ही कंज्यूमर ने एक यूनिट इंक्रीज करी, तो वाई गुड्स की जो यूनिट्स डिक्रीज होंगी वो कितनी हो रही है, डेल्टा वाई। अगेन अगर ही इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ एक्स गुड, देन ही डिक्रीज डेल्टा वाई वन यूनिट, है ना। इसको मैंने शो किया है डेल्टा वाई वन से। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई वन, यानी जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स की मोर कमोडिटी कंज्यूम करता जाएगा, वाई की जो यूनिट्स हैं वो डिक्रीज होने वाली, जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है वो क्या होती जाएगी, वो भी डिक्रीज होती, डिक्लाइन होती जाएगी। तो इसीलिए ये जो डिक्लाइनिंग रेट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो कम होने की जो रेट है वो लगातार और कम होती चली जाती है, इतनी हुई फिर इतनी हुई फिर और कम हो जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट पर और कम हो जाएगी। तो ये क्या होगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, ऑलवेज डिक्लाइनिंग। और इसी वजह से इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आईसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो देखते हैं इसको भी ये करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, ये हमारा है IC1 और ये हमारा है IC2। बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ ए। ये ए पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, हमने बी और सी ये दोनों कर्व, ऐसा पॉइंट लिया है हमने जो एक स्ट्रेट लाइन है वो बी पर IC2 को कट कर रही है और सी पॉइंट पर IC1 को कट कर रही है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास है बी, तो ए बी और सी थ्री पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं। अब देखिए, फर्स्ट हम लिस्ट को लेते हैं ऑन IC1। अगर IC1 पर हम देखें तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस लाइन, ओके, यस। ऑन IC1, इस IC1 पर आप देखिए, इस IC1 पर टू पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज ए एंड सी। जब IC1 है और ए और सी पॉइंट है, यानी दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऑन IC1 ए इज इक्वल टू सी, यानी ए का जो सेटिस्फेक्शन है वो ही सी का सेटिस्फेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये तो IC1 है। इसीलिए आप अब दूसरा आप लीजिए IC2। ऑन IC2, इस IC2 पर कौन कौन से पॉइंट हैं? एक तो ए है और दूसरा है बी, ए और बी। तो IC2 पर भी ए और बी का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इक्वल होना चाहिए। तो ऑन IC2 ए इज इक्वल्स टू बी, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ए इक्वल्स टू सी और ए इक्वल्स टू बी। तो इक्वेशन वन और टू से, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन एंड टू, बी इज इक्वल्स टू सी। क्या रहा, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि B इक्वल्स टू C, पर क्या B इक्वल्स टू C है हमारे डायग्राम में? नहीं, B इज नॉट इक्वल्स टू C, B कभी भी C के इक्वल नहीं हो सकता। सो दैट IC कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, IC कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हैंस प्रूव्ड। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाकी के पॉइंट्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बजट लाइन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।